हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है कि नहीं। आज क्लास 10 मिनट लेट मैंने स्टार्ट की किसी वजह से, बट अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और 10 मिनट लेट के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आशा करता हूँ कि कल वाली जो क्लास थी ग्रामर की, जो इतने दिनों से आप लगातार एक्साइटेड थे कि सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए, उस क्लास को आपने कवर किया होगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि सर समझ में नहीं आ रहा था। दो चार बच्चे ऐसे थे जो ऐसे मैसेज कर रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा था। तो देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी और उसको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि लेट हो चुका है, क्लास 12th में आकर अगर आप ये चीज़ें सीख रहे हो तो बहुत लेट सीख रहे हो। आपको 6th, 7th, 8th में ही ये सारी चीज़ें सीख लेनी चाहिए थी। पर ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार और उस क्लास को कवर कीजिए और उस क्लास को जरूर समझिए। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को किसी डिफरेंट लेवल पे जाकर समझना चाहते हो, इंग्लिश को किसी और तरीके से सीखना चाहते हो, तो जो ऑथेंटिक भी और काफी टाइम तक चलने वाला भी है। ठीक है, चलिए। अनु कुमारी गुड मॉर्निंग, आशुतोष दिश्चित, राजकरण जी, अंशिका, शिवम, राजू, आशुतोष कह रहे हैं कि सर कल की क्लास बहुत अच्छी थी और समझ में आया। बिल्कुल, अगर कोई बच्चे ने बहुत ध्यान से उस क्लास को देखा होगा, पूरी क्लास में जो है सिंसियरली तरीके से बैठा होगा, तो उसे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि उनका बेस ऑलरेडी बहुत कमजोर, एकदम खोखला हो चुका है, किडनी लीवर सब गायब हो चुका है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक, देखो भाई लाइव आ गए और आज की क्लास है ऑन द फेस ऑफ इट और ये हमारा पेनल्टीमेट चैप्टर है। पेनल्टीमेट मतलब सेकेंड लास्ट, इसके बाद केवल एक चैप्टर रह जाएगा द एनिमी। ये चैप्टर आज और कल में खत्म हो जाएगा और द एनिमी इस वीक के लास्ट तक खत्म हो जाएगा, तो फिर पूरी तरह से ये सिलेबस खत्म हो जाएगा और केवल ग्रामर वाला पोर्शन रह जाएगा जिस पर हम काम करेंगे। एक और बात मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि ये जो नेटवर्क का इश्यू था वो मैंने पता कर लिया है कि वो क्या प्रॉब्लम है, जियो वाले से बात भी हो गई है। इस वीक के लास्ट तक, इस वीक के एंड तक, सैटरडे तक आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, यानी कि मंडे के बाद से जो क्लासेस चलेगी उसमें ऐसा इश्यू नहीं आएगा। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो है और ऑलरेडी जो नेट जो मैंने ले रखा है वो नीचे से लैन के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, तो इसकी वजह से ये बार बार आप क्लास में कमेंट करते हो कि सर नेटवर्क जो है डिस्टर्ब हो रहा है, वो मेरा ही नेटवर्क खराब रहता है। जब मैं ऐसे क्लियर खड़ा हूं तब आपको कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इधर उधर मूव करूंगा तो नेटवर्क का इश्यू होता है वहां पे, और वो नेटवर्क स्लो होने की वजह से है जो कि इस वीक के लास्ट तक सॉल्व कर दिया जाएगा। हल रिविजन क्लास भी चलेगा, वन डे रिविजन की क्लास स्टार्ट होगी जनवरी में। एक दिन में एक चैप्टर पूरा खत्म, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी और वो रात में 9 बजे से चलेगी। जहां तक चांसेस है मैं रात में 9 बजे से वो क्लास चलाऊंगा और 9 से 11 चलाया करूंगा, 2 घंटे की क्लास होगी या 10:30 तक, जैसे भी हो। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूं और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जितना मैंने पढ़ाया उतना आपने कवर कर रखा होगा। और पूरा यकीन रखिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत सफिशियंट है। इसके अलावा जो भी आपका टाइम बचता है आप फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे दीजिए, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की जो क्लासेज है रविकांत गणित त्रिपाठी, जहाँ पे आप हिंदी की क्लासेज जो है बहुत अच्छे ढंग से, वहां पे तो रिवीजन भी चालू हो गया है और यहाँ पे भी रिवीजन बहुत जल्द चालू हो जाएगा, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ बहुत आराम आराम से कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा टाइम भी लगता है सीखने में, तो वो टाइम लीजिए और सीखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले जो PDF वो कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल क्या है, डीन सर एकेडमी। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है और ऑन द फेस ऑफ इट सुजन हिल, ये इसकी राइटर है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ। जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन होता जाएगा आपको कहानी खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएगी। ठीक, तो समरी के लिए भी परेशान मत होना, ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उनकी रीडिंग कर लीजिए। फिर इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जब करते चले जाओगे आपको कहानी इतनी अच्छी क्लियर हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन आंसर नहीं, आप समरी को ही क्वेश्चन आंसर के थ्रू कर रहे हो। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और आज मैं चाहूंगा कि मैं यहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करूं ताकि आपको परेशानी ना हो, बार बार आप जो ये कहते हो सर परेशानी हो रही है, आप जो बोर्ड पे इधर उधर होते हो। तो चलो पहला क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर लैम
एंड हाउ डिड डेरी केम इन हिज कॉन्टेक्ट, तो मिस्टर लैम कौन थे और डेरी उनके कॉन्टेक्ट में कैसे आया। तो सबको पता है कि मिस्टर लैम एक डिसेबल पर्सन थे, ही हैड गॉट अ टिन लेग एंड इट वॉज ब्लोन ऑफ इन द वॉर, उनको एक टिन लेग उनके पास था यानी कि उनका एक पैर जो है टिन का था और वो वॉर में उड़ गया था, ठीक है। एंड ही लिव्ड इन अ बिग हाउस, ही हैड अ बिग गार्डन, वो एक बड़े से घर में रहते थे, उनके पास एक बड़ा सा गार्डन था। आज लेट हो गया है तो कोई बात नहीं है, अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सो मिस्टर लैम वॉज अ डिसेबल ओल्ड मैन विथ एन आर्टिफिशियल लेग मेड ऑफ टिन, उनके पास एक आर्टिफिशियल लेग था जो टिन का बना था। He lost one of his legs in the war. अब ये मिस्टर लैम का एक तरह से कैरेक्टर स्केच भी है कि मिस्टर लैम कौन थे और कैसे थे। उनका एक पैर जो है वॉर में खो गया था। He lived in a big house and had a garden. एक बड़े से घर में रहते थे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था उनके पास। And the gate of the garden was always open. It was very important. It is very important to know this fact that gate of the garden was always open for everybody. Children came to his garden, people came to his garden and enjoy their life. The gate of the garden was always open for everyone. He used to spend his time in reading books or sitting in the garden. और वो अपना समय कैसे बिताते थे? किताबों को पढ़ के वहाँ गार्डन में बैठ के और बच्चों के लिए टॉफी बनाते थे। He had adjusted himself with his physical impairment and never paid heed to the words of the children who called him Lemmy Lamb. उन्होंने अपने आप को इस physical impairment से, ये जो physical बाधा थी, उससे अपने आप को इस लायक कर लिया था कि वो कभी उन बच्चों के शब्दों पे ध्यान नहीं देते थे। Never paid heed to, कभी ध्यान नहीं देते थे उन बच्चों के शब्दों पे जो उनको लैमी लैम बुलाते थे। Children also never got afraid of him, बच्चे भी उनसे कभी नहीं डरते थे। They came to his garden, वो उनके गार्डन में आते थे और किस लिए? एप्पल और पियर्स के लिए। तो एक बार फिर से मिस्टर लैम के बारे में अगर बताया जाए तो कहानी में जो दो कैरेक्टर्स हैं पूरी इस कहानी में वो मिस्टर लैम है और डेरी है। मिस्टर लैम एक यंग मैन है और डेरी एक टीन एज का लड़का है, 14 इयर्स का लड़का है। तो मिस्टर लैम एक डिसेबल ओल्ड मैन है विथ एन आर्टिफिशियल लेग दैट वाज मेड ऑफ टिन, जो कि टिन का बना हुआ है। ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन अ वॉर, वो अपने एक पैर को वॉर में खो चुके थे। ही लिव्ड इन अ बिग हाउस एंड हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन, उनके पास एक बहुत बड़ा घर था उसमें रहते थे और उनके पास एक बहुत सुंदर सा गार्डन था। He always welcomed everybody in his garden. वो सबका स्वागत करते थे अपने गार्डन में। The gate of the garden was always open. जो गेट था उस गार्डन का वो हमेशा खुला रहता था। Children came to his garden and made fun of him. Called him Lemmy Lamb. बच्चे उनके गार्डन में आते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, उनको Lemmy Lamb कहते थे। He used to spend his time with the people reading books and sitting in the sun in his garden. वो कैसे अपना समय बिताते थे? लोगों के साथ बिताते थे, बातचीत करके बिताते थे, सन में बैठ कर बिताते थे, किताबें पढ़कर बिताते थे। ये सारे फैक्ट हैं जो आपको लैमी लैम के बारे में जानना है, कि जो मिस्टर लैम है, जो कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस कहानी का, इसके बारे में समझना है। और बच्चे उनके गार्डन में आते थे। बट ही हैड एडजस्टेड हिमसेल्फ विथ हिज फिजिकल इंपेयरमेंट, ये जो फिजिकल बाधा थी, जो ये टिन लेग था उनके पास, उससे उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। एंड ही नेवर पेड हीड टू द वर्ड्स ऑफ द चिल्ड्रन हु कॉल्ड हिम लेमी लैम, और कभी उन बच्चों के शब्दों पे ध्यान नहीं देते थे। नेवर पेड हीड टू, जो उनको क्या बुलाते थे? लेमी लैम। हाउ डिड डेरी केम इन हिज कॉन्टेक्ट, अगर ये कहा जाए डेरी उनके कॉन्टेक्ट में कैसे आया, तो डेरी एक्सीडेंटली एंटर कर गया था उनके गार्डन में। ही एक्सीडेंटली एंटर्स हिज गार्डन, डेरी जो है एक्सीडेंटली एंटर कर जाता है उनके गार्डन में। और क्यों चला जाता है? वो अपने आप को छिपाना चाहता है। अब डेरी कौन है? डेरी भी उनकी तरह फिजिकली डिसेबल है, फिजिकली नहीं सॉरी, जो उसका चेहरा है एक साइड वो एसिड से जला हुआ है, एसिड से बर्न है, और एसिड है इटन ऑल वन साइड ऑफ हिज फेस, जो एसिड है उसने उनके चेहरे का, डेरी के चेहरे का एक साइड खा लिया है। तो वो लोगों से बचना चाहता है। ही नेवर वॉन्टेड टू मीट पीपल, ही ऑलवेज avoided people, उसने लोगों को हमेशा avoid किया। He had a thought in his mind through all day and night that people got afraid of him because of his face, लोग उसके चेहरे से डरते हैं। तो he accidentally enters his garden, वो गलती से उनके गार्डन में चला आता है, so that he can hide himself from the people who hate him, जो उससे hate करते हैं because of his ugly face.
ही क्लाइम्स द गार्डन वॉल एंड कम्स इनसाइड। एक बात ध्यान रखिएगा, वो गेट के थ्रू नहीं आता है, वो वॉल चढ़कर आता है, और इसीलिए मिस्टर लैम उससे कहते हैं द गेट इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीबडी, व्हाई डू यू कम फ्रॉम क्लाइंबिंग द वॉल, तो तुम ये वॉल क्लाइंब करके क्यों आते हो। ही क्लाइम्स द गार्डन वॉल एंड कम्स इनसाइड। मिस्टर लैम नॉट ओनली वेलकम्स हिम इन हिज गार्डन बट ऑल्सो इनकरेजेस हिम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ लिविंग बिहाइंड द पास्ट। और जो मिस्टर लैम होते हैं न केवल उसका स्वागत करते हैं, नॉट ओनली वेलकम्स हिम, न केवल उसका स्वागत करते हैं बट ऑल्सो इनकरेजेस हिम टू लीव अ नॉर्मल लाइफ, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जीवन जीने के लिए, एंड लिविंग बिहाइंड द पास्ट, और अपने पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए। एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको मिस्टर लैम और जो डेरी की कहानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक तरह से क्वेश्चन आंसर कह लो या कहानी कह लो, एक बार प्लीज बताइए कि क्या आपको समझ में आ गया या नहीं। लिविंग की जगह फॉरगेटिंग लिख सकते हो, फॉरगेटिंग हिज पास्ट, अपने पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि लीव का कोई स्पेसिफिक यहां पे पोजीशन तो नहीं, बस ये कहना चाह रहे हैं पास्ट को भूलना। तो किसी वर्ड के सिनोनिम के तौर पे आप सिर्फ वही वर्ड लिखो जो उस मीनिंग को कन्वे कर जाए, या तो कह लो कि वो पास्ट को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं या पास्ट को भुलाने की बात कर रहे हैं। कह रहे मक्खन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अगर आपको समझ में आ रहा तो सर आप हमें भूल, अरे कैसे भूल जाएंगे माही जी, आपको कैसे भूल जाएंगे, ठीक है, मक्खन शब्द जो है वो आप ही ने दिया है तो कैसे भूल जाएंगे बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मिस्टर लैम के पास गार्डन कैसा है इसके बारे में देखना है, जो मिस्टर लैम का गार्डन है वो कैसा है जरा ये देख लें, एक मिनट वेट अ मिनट। इसमें ये है कि मिस्टर लैम का गार्डन कैसा है, दूसरा क्वेश्चन है हाउ व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम है, व्हाई डज ही लाइक इट, और वो उसको लाइक क्यों करते हैं अगर देखा जाए तो आपको ये बताना है, और ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, आ जाओ। द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम इज अनकैप्ट, जो मिस्टर लैम का गार्डन होता है वो थोड़ा सा उथला पुथला रहता है, सिक्सेस एंड सेवेंस, सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है उथला पुथला होना। देर आर फ्रूट्स, देर आर ट्रीज, देर आर हर्ब्स, देर आर प्लांट्स एंड देर आर वीड्स इन हिज गार्डन, उनके गार्डन में फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, हर्ब्स हैं, वीड्स हैं, सब कुछ है उनकी गार्डन में। एक तरफ फ्लावर फ्रूट्स लगे हुए हैं, एप्पल के ट्रीज, पियर्स के ट्रीज, तो दूसरी तरफ वीड्स, रबिश, हर चीज है उनकी गार्डन में, तो उनका गार्डन थोड़ा सा अनकेम्प्ट है बट स्टिल इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। देयर आर क्रैब एप्पल ट्रीज विद गोल्डन एंड ऑरेंज राइप एप्पल्स, क्रैब एप्पल के पेड़ है जिसपे गोल्डन और ऑरेंज कलर के राइप पके हुए, राइप मतलब पके हुए एप्पल्स लगे हुए हैं। ही सेज देम मैजिक फ्रूट, और वो उनको मैजिक फ्रूट बोलते हैं, किनको, उन एप्पल्स को, क्रैब एप्पल्स को जो कि गोल्डन और ऑरेंज कलर के राइप एप्पल्स हैं, and makes jelly from them, और उनसे जेली बनाते हैं, उनसे टॉफी बनाते हैं। तो मिस्टर लैम का गार्डन कैसा है, वो थोड़ा अनकैम्प्ट टाइप का है, वहां पे फ्रूट्स भी है, फ्लावर्स भी है, वीड्स भी है, हर्ब्स भी है, और मिस्टर लैम वहां पे क्रैब एप्पल्स के ट्रीज है उनके गार्डन में, और उन क्रैब एप्पल से वो जेली बनाते हैं उनको तोड़ के। He also has a hive of bees behind the trees in his garden, और पेड़ों के पीछे मधुमक्खियों का एक बहुत अच्छा सा छत्ता है। He also has a hive of bees behind the trees in his garden. The gate is always open. ये तो लाइन आपको ध्यान रखना है कि मिस्टर लैम का जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है। People come and sit there in front of the fire in winter. लोग विंटर में उनके गार्डन में आते हैं, विंटर में फायर के सामने बैठते हैं। Kids come for the apples and pears. और जो किड्स हैं वो एप्पल और पियर्स के लिए आते हैं। तो ये मिस्टर लैम के गार्डन के बारे में था कि मिस्टर लैम का गार्डन जो है वो थोड़ा अनकैम्प्ट है। अनकैम्प्ट मतलब सिक्सेस एंड सेवेंस, सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब थोड़ा उथला पुथला। व्हाई? बिकॉज़ देयर आर फ्रूट्स, देयर आर फ्लावर्स, देयर आर ट्रीज, देयर आर हर्ब्स एंड देयर आर वीड्स, सब कुछ है उनके गार्डन में। देयर आर क्रैब एप्पल ट्रीज विद गोल्डन एंड ऑरेंज राइप एप्पल्स, तो क्रैब एप्पल ट्रीज है गोल्डन और ऑरेंज राइप एप्पल्स के साथ। ही Says them magic fruit, और वो उनको magic fruit कहते हैं, and makes jelly from them, और उनसे jelly बनाते हैं। He also has a hive of bees, मधुमक्खियों का एक छत्ता भी है पेड़ के पीछे। Everyone come
comes to his garden. सब लोग उनके गार्डन में आते हैं. The gate is always open. गेट उनका हमेशा खुला है. People come and sit in front of fire in winter. And kids come for apple and pears. और जो बच्चे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन, वो apple और pears के लिए आते हैं. तो ये मिस्टर लैम के गार्डन के बारे में. अगर इन दो क्वेश्चंस की बात की जाए, तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि मिस्टर लैम कौन है. एक ओल्ड मैन है, आर्टिफिशियल टिन लेग उनके पास, बट स्टिल ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने लाइफ को लेकर, बहुत चीयर करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं. डेरी कौन है? तो डेरी एक टीनेज बच्चा है, अभी इतना ही पता चला है. इसके अलावा मिस्टर लैम का गार्डन कैसा है ये पता चल गया. तो अगर देखा जाए तो मिस्टर लैम और उनके गार्डन के बारे में हमें पता चल चुका है. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर लैम अपने गार्डन को इतना पसंद क्यों करते हैं. व्हाई डिड मिस्टर लैम लाइक हिज गार्डन? तो मिस्टर लैम जो है वो अपने गार्डन को इतना पसंद क्यों करते हैं, आखिर वो क्यों अपने गार्डन को इतना एंजॉय करते हैं. देखिए, मिस्टर लैम हैज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज लाइफ. जो मिस्टर लैम है उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है. मिस्टर लैम हैज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज लाइफ, थिंग्स एंड पीपल. ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत आशावादी है. ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी होना. एंड अ नेचर लवर, इन सब चीजों से पता चलता है वो बहुत नेचर लवर है. ही एंजॉय सिटिंग इन द सन एंड रीडिंग बुक्स इन हिज गार्डन. वो पसंद करते हैं गार्डन में बैठकर किताबें पढ़ना और सन लेना. ही एंजॉय सिटिंग इन हिज गार्डन रीडिंग बुक्स. वो अपने गार्डन में बैठना पसंद करते हैं और किताबें पढ़ना पसंद करते हैं. एक बार प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया. क्या पूछ लिया था जो ये माही इतना एक्सप्लेन कर रही है? ऐसा तो नहीं पियर्स के बारे में पूछ लिया था. सत्यम यादव कह रहे हैं कौन सा चैप्टर है, कितना लेसन है सर? ये सेकंड लास्ट है. इसके बाद एक चैप्टर और है द एनिमी, जिसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म हो जाएगा. सबको समझ में आ गया कि प्लीज एक बार बता दीजिए आप लोग, जो भी बच्चे क्लास में इस समय है, जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्लास में इस समय लाइव है, वो प्लीज ये बता दीजिए कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए. दो क्वेश्चन करा दिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं. क्लियर है सर, आप इतने अच्छे से समझाते हैं तो क्यों नहीं समझ में आएगा. बिल्कुल, धन्यवाद अंशिका, राजकरण, राजू, जेली. जेली नहीं क्या बचपन में, जेली जो है अब एक तरह से कह सकते हो स्वीट है, अ टाइप ऑफ स्वीट, एक मीठी चीज खाने वाली, तो उसको आप जेली कह सकते हो. ठीक है, चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें आता है कि डेरी कौन है और लोग उससे क्यों डरते हैं. देखिए, who was Derry and why were people afraid of him? तो Derry एक टीनेज बच्चा है and 14 years old. Derry जो है एक 14 साल का लड़का है and people got afraid of him because of his face. लोग उसके चेहरे की वजह से डरते हैं, as Derry thought. जैसा कि Derry सोचता है कि लोग उसके चेहरे की वजह से डरते हैं. He got acid all down the one side of his face. एक साइड में पूरा एसिड चला गया था उसके चेहरे के, and it burned it all away. तो ये लाइन जरूर आपको ध्यान रखना है कि he got acid all down the one side of his face. एक साइड जो होता है उसके चेहरे का, he got acid all one side of the face, all down the one side of his face. उसको एसिड पड़ जाता है एक साइड में, and it burned it all away. He was suffering from a tremendous sense of inferiority complex. Now, what do you mean by inferiority complex? Inferiority complex का मतलब क्या होता है? जब बच्चे को ये लगे, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को ये लगे कि यार उसके अंदर ये कमी है, इसकी वजह से दुनिया उसे जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो उसके अंदर वो चीज आने लगती है, बार बार वो उसी चीज को सोचता है, तो दैट इज कॉल्ड इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि डेरी के अंदर बहुत ज्यादा होता है कि उसका चेहरा जला हुआ है, इसलिए लोग उससे डरते हैं, लोग उससे बात नहीं करना चाहते, लोग उसको अवॉइड करते हैं, और ऐसा होते होते इतना ज्यादा हो जाता है. He got used to of it that he started avoiding people. कि वो लोगों को avoid करना शुरू कर देता है. ऐसे नौ बता जाती है. He had a negative attitude towards life and he always wanted to avoid people. उसका attitude थोड़ा negative हो चुका है जीवन के प्रति और वो लोगों को हमेशा क्या करता है? Avoid करता है. तो Derry कौन है प्यारे बच्चों? Derry एक 14 वर्षीय बच्चा है. Derry was a teenage, 14 years old. He got acid all down one side of his face and it burned. It all away. और उसने उसको पूरी तरह से जला दिया था. Even his life, even his mind, आप ये नहीं कह सकते हो that acid also ate his mind. उस acid ने उसका चेहरा भी खा लिया था. He was suffering from a tremendous, एक बहुत ही शानदार, कल बताया था क्लास में, अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ओ यूएस लगा हो तो वह एडजेक्टिव होगा.
ट्रिमेंडस सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो गजब के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित था, मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर भरा हुआ था। और वो क्या था, उसका निगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, एंड ही ऑलवेज वॉन्टेड टू अवॉइड पीपल, वो लोगों को अवॉइड करना चाहता था। लोग उससे क्यों डरते थे जैसा वो सोचता था, तो बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ट फेस, केवल उसका चेहरा जला होने की वजह से लोग उससे डरते थे। फॉर देम हिज फेस वॉज बैड एंड टेरिबल, उन लोगों के लिए उसका चेहरा बैड था और टेरिबल था। इट वॉज द अगलीएस्ट थिंग दे हैड एवर सीन, और वो सबसे खराब चीज थी जो कभी उन्होंने देखी थी। इट वॉज द अगलीएस्ट थिंग दैट दे हैड एवर सीन, सबसे खराब चीज जो उन्होंने कभी देखी थी। तो लोगों के लिए उनका उसका चेहरा बहुत डराने वाला था। फॉर पीपल हिज फेस वॉज टेरेबल, हिज फेस वॉज बैड, इट वॉज द अगलीएस्ट थिंग दैट दे हैड एवर सीन। चलो आ जाओ, एक बार प्लीज बताना कैसी है ये क्वेश्चंस, आपको समझ आ रहे हैं। सत्यम यादव कह रहे हैं सर आपकी क्लास कितने बजे की होती है। सत्यम जी डेली 7 बजे से 8 बजे तक, अगर मैं डेली अवेलेबल हूँ तो क्लास होती है, नहीं होता हूँ तो टेलीग्राम पे आपको मैसेज चला जाएगा कि क्लास नहीं हो पाएगी या कभी किसी कारणवश से, जैसे अभी कुछ दिन पहले बंद हुई थी तो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, वो जाके देखिए। लाइव सेशन के क्वेश्चन आंसर्स फ्लेमिंगो खत्म कर चुका हूँ, विस्टास खत्म होने वाला है, इसके बाद केवल एक चैप्टर द एनिमी बचा है। हर्ष वर्मन कह रहे हैं कि सर आप जो है एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी जो उनसे भी करा दिया करिए। हर्ष वर्मन जी एनसीईआरटी के क्वेश्चन न कराने की वजह क्या है, हम यूपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये जितने बच्चे हैं इस पे यूपी बोर्ड की बड़ी कृपा होती है। हालांकि मैं कह चुका हूं कि इसके बाद अभी मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराऊंगा, पूरा जो क्वेश्चन बैंक है विद्या है या जो भी है, क्योंकि मैंने कहा था बच्चों से आप क्वेश्चन बैंक मत खरीदिएगा, तो मैं उनसे और एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन आंसर हैं जो बने हुए हैं वो सब उठा के एक बार करा दूंगा, एक बार और एक और क्वेश्चन आंसर की सीरीज होगी जो क्वेश्चन बैंक और प्लस एनसीईआरटी की होगी, जिसमें खाली क्वेश्चन बैंक में आए हुए क्वेश्चन और एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन, ताकि आप ये देख लो कि जो मैंने कराया है और बाकी जो क्वेश्चन है वो कैसे है। पोएट्री और ग्रामर, पोएट्री में एक चैप्टर कराया है, बाकी जो चैप्टर्स हैं इसके बाद हो जाएंगे। दिसंबर खत्म होने तक मैं कह चुका हूं कि पूरी तरह से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर के सेशन कल पहली क्लास थी और आगे आने वाले सेशन में, आगे आने वाले जो दिन है उनमें और सारे क्लासेस आपको मिलेंगी। बिल्कुल पढ़ाएंगे, अगर कह दिया तो पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और लाइव इसलिए नहीं किया मैंने ग्रामर का सेशन, क्योंकि वो और बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है ग्रामर वाले सेशन। और अगर मैं कल का सेशन लाइव करता तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 25 से 30 क्वेश्चन ही हो पाते पूरे एक घंटे में, और केवल 45 मिनट में 45 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। जिन बच्चों ने 45 के 45 क्वेश्चन किए होंगे, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऑलमोस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट व्हेन डेरी एंटर्स हिज गार्डन। तो अब देखिए कहानी अब तक आपको याद आ चुकी होगी, अगर आप पहली बार भी इस क्लास में हो तो ये समझ में आ चुका होगा कि ये कहानी मिस्टर लैम के बारे में है और डेरी के बारे में है। मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है, हैड गॉट अ टिन लेग, और उनका टिन लेग है दैट ही लॉस्ट इन हिज वॉर, इन अ वॉर, एक वॉर में जिन्होंने खो दिया था अपना पैर। डेरी एक टीनेज है, 14 साल का बच्चा है, उसका आधा चेहरा जला हुआ है, ही गॉट एसिड ऑल डाउन द साइड ऑफ हिज फेस, वन साइड ऑफ हिज फेस, एंड इट बर्न इट अवे ऑल अवे, पूरी तरह से उसने उसका चेहरा जो है जला दिया था। तो ये डेरी है और ये मिस्टर लैम है। डेरी एक्सीडेंटली एंटर कर जाता है गार्डन में बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू अवॉइड पीपल, और जस्ट अवॉइड द पीपल हु हेट हिम, लोगों को अवॉइड करता है जो लोग उससे घृणा करते हैं, ऐसा वो सोचता है कि लोग उससे घृणा करते हैं। अब जब डेरी आता है तो मिस्टर लैम कैसे रिएक्ट करते हैं, आइए देखिए। मिस्टर लैम इज एन ओपन माइंडेड मैन, बहुत ओपन माइंडेड है, ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब देखो ये बहुत सारे वर्ड है जो बार बार आप यूज कर सकते हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, नेचर लवर है, गेट हमेशा खुला है सबके लिए, हमेशा सबका स्वागत करते हैं, और डेरी का भी क्या करते हैं, वो वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं है कि डेरी को वो कुछ बोलते हैं, डेरी को भी वेलकम करते हैं, और न केवल वेलकम करते हैं, ही ऑल्सो इनकरेज हिम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसको इस बात के लिए भी इनकरेज करते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए। एज ही स्टेज अलोन, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, ही इज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, ही ट्रीट्स डेरी हिज फ्रेंड एंड स्पीक्स फ्रीली विद हिम, वो डेरी को अपना दोस्त बनाते हैं, उसको दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं जैसा कि वो सबके साथ करते हैं, और उससे बहुत फ्रीली बात करते हैं। इसके बाद फिर से वही लाइन आप चिपका सकते हो, ही ऑल्सो इनकरेजेस हिम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ लिविंग हिज पास्ट, लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर, फॉरगेटिंग हिज पास्ट, ही इनकरेजेस हिम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो एक नॉर्मल जीवन जी सके।
तो डेरी को देखकर गार्डन में अपने मिस्टर लैम कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मिस्टर लैम सबका वेलकम करते हैं, उनका गेट हमेशा सबके लिए खुला रहता है। जब वो डेरी को देखते हैं तो ही बिकेम हैप्पी बिकॉज ही गॉट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस एज ही यूज्ड टू बी अलोन इन हिज गार्डन। जब वो अकेले हुआ करते थे तो वो किसी को पा जाते हैं और ऐसे ही वो डेरी को मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि चलो इससे बात करेंगे। ही ट्रीट्स डेरी एज हिज फ्रेंड, वो डेरी को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं और उससे बहुत फ्रीली टॉक करते हैं। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना है, ही ऑल्सो इनकरेजेस हिम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो उसे इनकरेज करते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। बिकॉज डेरी वॉज वेरी अफ्रेड टू फेस द पीपल, क्योंकि डेरी बहुत अफ्रेड होता है लोगों का सामना करने से। कितने बजे क्लास चलती है यार, क्या एक ही कमेंट कर रहे हो बार बार। चलो 7 बजे बता दो दिया, 7 बजे क्लास चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन में कुछ पूछना नहीं था कि समझ में आया नहीं, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू पीपल रिएक्ट टू डेरी फेस। अब डेरी के चेहरे को लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब लोग डेरी को देखते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी लोग डेरी के चेहरे को देखते हैं तो वो उसके ऊपर दया दिखाते हैं, ठीक है। वेन एवर दे पीपल सी डेरी फेस, जब भी लोग डेरी के चेहरे को देखते हैं दे टेक पिटी ऑन हिम। पिटी का मतलब होता है टू हैव सिंपैथी, दया दिखाना। तो जब भी लोग डेरी को देखते हैं तो वो उसके साथ दया दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इट इज द अगलीएस्ट थिंग दे हैव सीन, दे हैव एवर सीन, जो उन्होंने कभी देखा हो। इट इज द अगलीएस्ट थिंग दे हैव एवर सीन। अभी थोड़ी देर पहले भी ये लाइन आई थी, एक बार फिर से ये लाइन आप यूज कर सकते हो कि जब भी लोग डेरी के चेहरे को देखते हैं दे बिकेम अफ्रेड, दे से दैट इट इज द अगलीएस्ट थिंग दैट दे हैव एवर सीन, ये सबसे खराब चीज है जो उन्होंने कभी देखी है। हिज फेस इज टेरिबल, हिज फेस इज बैड, उसका चेहरा बहुत खराब है, बहुत बहुत ज्यादा खराब है। दे डोंट विश टू स्पीक टू हिम और टू बी हिज फ्रेंड, न तो वो उससे बात करना चाहते हैं न उसके दोस्त बनना चाहते हैं। Some even whisper, और कुछ तो फुसफुसाते भी हैं, that his face is terrible and only a mother can love this face. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसका चेहरा बहुत टेरेबल है और ये केवल एक माँ ही इसके चेहरे से प्यार कर सकती है। तो इन 4 से 5 क्वेश्चंस के थ्रू, 5 क्वेश्चंस के थ्रू आपको कहानी का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत क्लियर हो चुका होगा कि मिस्टर लैम कौन है, डेरी कौन है, डेरी कैसे एक्सीडेंटली एंटर करता है गार्डन में, फिर कैसे मिस्टर लैम रिएक्ट करते हैं, क्या वजह है कि डेरी डरता है और डेरी जो है गेट के थ्रू नहीं आता है, ही जस्ट क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल। वो क्यों गार्डन वॉल क्लाइंब करके आता है, क्योंकि वो लोगों से डरा होता है, उसके दिमाग में एक बहुत निगेटिव एटीट्यूड है लाइफ को लेकर, ये परसेप्शन है कि लोग उसके चेहरे को देखकर डरते हैं और वो लोग उसका सामना नहीं करना चाहते, दे डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम, एंड वेन एवर दे सी हिम दे टेक पिटी ऑन हिम, वो उसके ऊपर दया दिखाते हैं, उसके ऊपर सिंपैथी दिखाते हैं। दे डोंट विश टू बी हिज फ्रेंड, वो कभी नहीं चाहते उसका फ्रेंड बनना, और दे डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम, और ना ही उससे बात करना। तो इसकी वजह से डेरी के अंदर एक निगेटिव एटीट्यूड हो गया, बल्कि जो मिस्टर लैम है वो बहुत ओपन माइंडेड है, नेचर लवर है, अपने गार्डन में बैठते हैं, सन इंजॉय करते हैं, लोगों के साथ बात करना एंजॉय करते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गई या नहीं, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। जितनी बातें बोल रहा हूँ बस ध्यान से सुनते रहिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप शुरू से सीबीएसई से पढ़ी हैं तो फिर आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो और भी आसान होगा आपके लिए, बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मेरी ये दुआ भी होगी और जरूर ऐसा होना चाहिए कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके इंग्लिश में, ठीक है। चलो समझ में आ गया सबको इतनी चीजें। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे 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 हम इस चैप्टर पूरी तह तक चले जाएंगे, बॉटम में जाएंगे, बॉटम में, जैसे डीप वाटर में जो विलियम डगलस होते हैं वो बॉटम तक जाते हैं। आ जाओ, हाउ डज डेरी इंटरप्रेट द फेरी टेल ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब देखिए, अब क्या होता है कि मिस्टर लैम जो है डेरी का निगेटिव एटीट्यूड खत्म करना चाहते हैं, वो उसको तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि जो डेरी है वो अपने इस निगेटिव
एटीट्यूड से बाहर आए, उसकी सोच बदले, उसकी थिंकिंग बदले, और उसके लिए वो बीच बीच में बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करते हैं। उसमें से एक घटना होती है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये कहानी आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, सबने पढ़ी है। व्हेन मिस्टर लैम टॉक्स अबाउट, जब मिस्टर लैम जो है वो बात करते हैं किस बारे में, ब्यूटी एंड द बीस्ट, डेरी से, डेरी कहता है ही नोज द फेरी टेल, ये जो कहानी है वो जानता है, टेल मतलब कहानी, इट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट यू आर इनसाइड, नॉट यू लुक लाइक, अ वेरी फैक्ट, बहुत ही कठोर सत्य है और बहुत ही गजब का सत्य है। इट ऑलवेज अबाउट व्हाट यू डू, आप करते क्या हो, इट नेवर, इट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट यू आर इनसाइड, नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ये कभी ऐसा नहीं होता कि आप कैसे दिखते हो, इट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट यू डू, कि आप कैसा करते हो, और व्हाट यू आर इनसाइड, कि आप अंदर से कैसे हो। मैं कैसा दिख रहा हूं ये मायने नहीं रखता, मैं अंदर से कैसा सोच रहा हूं ये मायने रखता है। आप मुझे अभी कैसे जानते हो, ऊपरी तरीके से, मेरे अंदर क्या सोचे आप नहीं जानते हो। जब मेरे साथ आप रहोगे, जब आप देखिए ऐसे दूर से, मैं सीरियसली बता दूं तो आपको लग रहा होगा अरे यार बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे टीचर है, सब कुछ लग रहा होगा। ये एक जनरल इफेक्ट है जो आपके दिमाग में आएगा और किसी के भी दिमाग में आएगा इस कैमरे के उस तरफ से बैठकर। लेकिन जब आप कैमरे के इस तरफ आओगे, मेरे साथ बैठोगे, तब अगर आप ये बात कहते हो तो समझ में आती है। क्योंकि जब तक आप किसी के साथ समय नहीं बिताते, आप कभी नहीं कह सकते हो। यही ये लाइन कही गई है कि इट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट यू आर इनसाइड, नॉट व्हाट यू लुक लाइक। अभी मैं आपको दिखता हूं ऐसा, कैसा हूं ये आपको नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खराब हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मैं असलियत में कैसा हूं ये जब आप मेरे साथ टाइम बिताओगे, मैं अंदर से कैसा हूं तभी आपको पता चलेगा। अभी तो आप मुझे केवल ऊपर से जानते हो। हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम कौन है, जो हैंडसम काम करता है। बीस्ट चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस व्हेन सी किस्ड हिम बट ही डिड नॉट वांट टू चेंज। जो वो बीस्ट होता है वो अपने आप को बदल लेता है एक हैंडसम प्रिंस में, लेकिन वो बदलना नहीं चाहता है। ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, वो तो एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही बना होता अगर किसी वर्ड के सफिक्स में ओयूएस लगाओ तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या है, आर्टिकल। अगर आर्टिकल है तो बीस्ट क्या हो जाएगा, नाउन। तो मॉन्स्ट्रस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देखो ये कल वाली क्लास में ऐसे ही समझाया था, ये बहुत बार आपको मिलेगा, ठीक है। तो ही वुड हैव स्टेड, वो बना होता एक मॉन्स्ट्रस, एक दैत्यकार राक्षस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी थी उसमें डेरी कहता है कि उसको पता है भाई, उसको बहुत अच्छे से पता है, हैंडसम इज एज हैंडसम डज, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू लुक लाइक, इट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट यू आर इनसाइड। ये कभी इस बारे में नहीं होता कि आप कैसे दिखते हैं, ये हमेशा इस बारे में होता है कि आप अंदर से क्या है। तो ये कहानी मुझे पता है। एंड ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस ओनली व्हेन शी किस्ड हिम, जब उसने उसको किस किया तभी वो हैंडसम प्रिंस में बदला, वरना वो चाहता नहीं था। ही वुड हैव स्टेट, वो तो रहा ही होता अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर उन्हीं कहानियों के बीच में अब ये देखो, ये सारी घटनाएं हैं जो एक एक करके घटी हैं। मिस्टर लैम बात करते हैं किसके बारे में, एक कहानी, एक स्टोरी, एक मैन के बारे में जो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है इस डर से, क्योंकि वो बहुत डर रहा होता कि पता नहीं कैसे उसकी मौत हो जाएगी। और जब वो अपने कमरे में डर लेता है, कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है कि कहीं ऐसा ना हो डेडली जर्म्स उसके ऊपर कोई ब्रेथ कर दे, और डंकी माइट की कहीं डंकी उसको किक ना कर दे, और कार रन ओवर ही कहीं कोई कार उसको ना कुचल दे, तो वो जाता है अपने आप को कमरे में बंद करता है लॉक्ड, और उसको लॉक कर लेता है। लेकिन होता क्या, फाइनली अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिम, एक पिक्चर जो है उस दीवार से निकलकर उसके ऊपर गिर जाती है एंड इट किल्ड हिम, और वो उसको मार देती है। तो ये कहानी बताकर डेरी को मिस्टर लैम इनकरेज करते हैं कि यार तुम जितना भागोगे लोगों से तुम कभी बच नहीं सकते हो, तुम्हें लोगों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द रिस्क। देखो देयर वाज अ मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, अब एक कहानी उसी में, जैसे अभी एक था ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो एक कहानी इस आदमी की। अ बस माइट रन ओवर हिम, उसे क्या लगता है एक बस उसको कुचल सकती है। अ मैन माइट ब्रेक डेडली जंप्स ऑन हिम टू हिम, ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, एक डंकी उसको किक करके मार दे। सो ही वेंट टू हिज रूम, ही लॉक्ड द रूम एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टे देयर, वो अपने रूम में जाता है, लॉक करता है और वहीं बना रहता है। अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, एक पिक्चर दीवार से गिरता है उसके सर पे एंड किल्ड हिम। मिस्टर लैम गिव दिस एग्जांपल टू डेरी टू कम टू द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ,
मिस्टर लैम ये एग्जाम्पल डेरी को देते हैं कि यार जिंदगी की मेन धारा में आओ, जिंदगी की मुख्य धारा से मिलो, तुम ऐसी सोच मत रखो, इस आदमी वाली सोच मत रखो। ए मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज से डरा होता है, उसे डर होता है कि कहीं एक बस जो है उसको कुचल ना दे, माइट रन ओवर हिम, कहीं ऐसा ना हो कोई उसके ऊपर डेडली जंप्स ब्रेक कर दे, कहीं ऐसा ना हो एक डंकी उसको किक करके मार दे, माइट किक हिम टू डेथ, ऐसा ना हो जाए। सो ही वेंट इनटू हिज रूम, लॉक्ड हिज रूम एंड गॉट इनटू हिज बेड, बट व्हाट हैपेंड फाइनली, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑनटू हिज हेड एंड किल्ड हिम, एक पिक्चर जो उसके ऊपर गिरती है उसको मार देती है। मिस्टर लैम गेव दिस एग्जांपल टू डेरी ओनली टू एनकरेज हिम, उसको इनकरेज करने के लिए कि उसको मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ में आना चाहिए, ही शुड नॉट एलियनेट हिमसेल्फ, उसको अपने आप को एलियनेट, एलियन क्या होते हैं, विदेशों से ऊपर से आते हैं, तो अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए एंड लोगों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, इट कुड बी डेंजरस, ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि मैंने अभी तक जितनी बातें आपको बताई हैं मिस्टर लैम और डेरी के बारे में, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए समरी को ही क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है? मैं एक बार और क्वेश्चन आंसर की सीरीज कराऊंगा और तब कराऊंगा ऐसे कि जितने क्वेश्चन बैंक में जो जो चीजें दे रखी हैं वो सब करा दूंगा, पूरा क्वेश्चन बैंक ले आऊंगा दो तीन, और एक ही बार जितने क्वेश्चन बैंक में जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं जो मुझे अच्छा लगेगा वो सब करा दूंगा। एक बार फिर समझा दीजिए वाला, ऐसा कैसे हो गया? अरे ये तो बड़ी समस्या हो गई। एक मिनट को, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है मुख्य धारा, एक मिनट रुक जाओ, ऐसा क्या हो गया, आज पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन रुको एक मिनट, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, देखते हैं अगर हो जाता है तो ठीक है और नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कुछ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट वेट कीजिए, मैं बस क्लियर करता हूँ सब चीजों को। तब तक आप कुछ बातें कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स जो है रिप्लाई कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था वाज मिस्टर लैम, हाउ डिड डेरी केम इनटू हिज कांटेक्ट, ये दूसरा क्वेश्चन था हु वाज डेरी एंड व्हाई वर पीपल अफ्रेड ऑफ हिम, फिर ये पढ़ लिया हाउ डू पीपल रिएक्ट टू डेरीज फेस, और इसी क्वेश्चन में किसी ने कह दिया था कि सर एक बार और से वो क्वेश्चन आप समझा दो, व्हाट वाज द फियर ऑफ मैन हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट टोल्ड बाय मिस्टर लैम, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लगा था, अरे इस क्वेश्चन पे फिर से समझा देता हूं। देखो तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज द फियर ऑफ अ मैन हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट टोल्ड बाय मिस्टर लैम, एक कहानी होती है एक मैन की, देयर वाज अ मैन हु अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज से डर रहा होता है, उसे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो एक बस उसको कुचल दे, अ बस माइट रन ओवर हिम, कहीं ऐसा ना हो अ मैन ब्रेथ डेडली जंप्स ऑन हिम, एक आदमी जो है उसके ऊपर डेडली जंप्स छिड़क दे, और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और एक गधा उसको किक कर करके मार दे, इसलिए वो एक कमरे में जाता है, अपने आप को बंद करता है और तभी एक पिक्चर उसके ऊपर गिरता है, उसको मार देता है, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑनटू हिम एंड किल्ड हिम। इस कहानी से मिस्टर लैम डेरी को यह सिखाना चाहते हैं कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा जीवन में, आप कहीं भग कर बच नहीं सकते हो, लोगों से अवॉइड नहीं कर सकते हो लोगों को, आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा, हो सकता है लोग आपसे थोड़ा हेट करें, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो आपको पसंद करेंगे, तो आपको उन लोगों के सामने आना पड़ेगा। वो ये एग्जाम्पल देते हैं डेरी को टू कम टू द मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा है, स्ट्रीम मतलब धारा ऑफ लाइफ,
ही शुड नॉट एलिनेट हिमसेल्फ और अवॉइड द पीपल, उसे लोगों को अवॉइड नहीं करना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए. ठीक, चलो नेक्स्ट देखो. व्हाट पेक्यूलियर थिंग्स डिड डेली नोटिस अबाउट द ओल्ड मैन, ऐसी कौन सी अजीब चीज थी. पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब अजीब, स्ट्रेंज, वियर्ड, बिजायर, जो ओल्ड मैन के बारे में जो है डेरी नोटिस करता है मिस्टर लैम के बारे में. तो मिस्टर लैम के बारे में डेरी ये नोटिस करता है कि और लोग तो मुझसे डरते थे लेकिन मिस्टर लैम बिल्कुल मुझसे डरते नहीं है. डेरी न्यू, डेरी ये बात जानता था दैट पीपल गॉट अफ्रेड ऑफ हिम और ऑफ हिज फेस एंड सेड दैट इट वॉज टेरिबल. लोग उसके चेहरे से डरते थे और कहते थे कि वो टेरिबल है. लेकिन मिस्टर लैम जो है थोड़ा सा भी डिसलाइक और हॉरर नहीं दिखाते हैं एट द वे डेरी लुक्ड. जिस तरीके से डेरी का चेहरा दिखता है आधा जला हुआ, मिस्टर लैम उससे जरा भी नहीं डरते हैं. न तो वो कोई हॉरर दिखाते हैं, न कोई वो डर दिखाते हैं. दिस सरप्राइज, ये बात उसको सरप्राइज करती है. व्हेन ही केम टू नो दैट मिस्टर लैम हैड गॉट अ टिन लेग एंड इज स्टिल एंजॉय हिज लाइफ, इट वॉज पेक्यूलियर फॉर हिम. उसके लिए बड़ा अजीब बात होता है कि मिस्टर लैम के पास टिन लेग है और फिर भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. जब उसे पता चलता है कि मिस्टर लैम एक नेचर लवर है, जब उसे पता चलता है कि मिस्टर लैम जो है ये कहानियां सुना रहे हैं, तो वो उसे बहुत पेक्यूलियर लगता है, उसे बहुत अजीब लगता है. उसे पता है कि लोग उससे डरते हैं लेकिन मिस्टर लैम उससे जरा भी नहीं डरते हैं, उसे वेलकम करते हैं, उसे इंकरेज करते हैं. मिस्टर लैम हैड अ जेस्ट, जेस्ट मतलब उत्साह, जीव फॉर लाइफ एंड इनकरेजिंग इन मेनी वेज, और उसे कई तरीकों से इनकरेज करते हैं दैट नो वन हैड, जो कभी किसी ने उसे इनकरेज नहीं किया था. He told him the story of a man who locked himself up in a room and never leaved. उसे उस आदमी की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और कभी कमरे से बाहर नहीं आया. ये सारी चीजें क्यों करते हैं? उसको इनकरेज करने के लिए. He made him aware of his strength and told him to take the risk. वो उसको उसकी स्ट्रेंथ से अवेयर कराते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा. और यही सारी चीजें क्या होती हैं? जो डेरी होता है उसके लिए पेक्यूलियर होती है. तो डेरी जब मिस्टर लैम से मिलता है तो मिस्टर लैम उसको ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी, एक मैन की कहानी जो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, और ये सारी चीजें सुनाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छी चीजों के बारे में सोचे, रिस्क ले, लोगों से मिले, लोगों का सामना करे. तो डेरी के लिए ये सब चीजें बड़ी पेक्यूलियर होती है कि पहली बार कोई पर्सन उसको ऐसा दिखता है जो इतना इंकरेज करता है, उससे इतना इंटरेस्ट लेता है उससे बात करने के लिए. और इसीलिए सारी चीजें क्या होती है? पेक्यूलियर होती है. एक बार प्लीज बताइएगा समझ में आया नहीं. बताइए एक बार प्लीज कमेंट कीजिएगा और मैं आगे मूव कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इतने क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं इससे आपको आधा चैप्टर, 50% चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, 100%. ओके है गुरु जी, आ जाओ भाई. कह तो मक्खन 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 बहुत अच्छा मक्खन है, मक्खन है. ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में इतनी बार आप मक्खन मक्खन कह दो कि पेपर देने जाओ और वाले कहो मक्खन है मक्खन है मक्खन है. एग्जाम में भी चेक करें, वाह वो नंबर भी दे रहा है, मक्खन है मक्खन है मक्खन है. ठीक है, तो मक्खन यहीं पर रखना, मक्खन अपने बोर्ड एग्जाम में मत लेकर जाना. मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मक्खन खाकर जाना, ब्रेड मक्खन खा कर जाना, वहां पर लिखना, वहां पर ही आंसर लिखना, वहां पर मक्खन मत लिखना. ठीक, आ जाओ. हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम, जो किड्स होते हैं बच्चे होते हैं मिस्टर लैम को क्या कॉल करते हैं, व्हाट वाज हिज रिएक्शन, उनका रिएक्शन क्या होता है मिस्टर लैम का. तो देखिए मिस्टर लैम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हैं, बहुत ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं, बहुत नेचर लवर है, गेट उनका हमेशा खुला रहता है लोगों के लिए. किड्स उनके गार्डन में आते हैं फॉर एप्पल एंड पियर्स, वो टॉफी बना के उनको देते हैं, जेली बना के उनको देते हैं, और दे कॉल्ड हिम लैमी लैम, वो मिस्टर लैम को लैमी लैम बुलाते हैं, लगड़े लैम, लैमी लैम. बट मिस्टर लैम नेवर पेड हीड टू देयर वर्ड्स, मिस्टर लैम उनके शब्दों पे कभी ध्यान नहीं देते हैं. इट वॉज अ गेम फॉर देम, ये उनके लिए गेम होता है, फॉर बोथ, फॉर द किड्स एंड फॉर मिस्टर लैम, ये गेम होता है. और मिस्टर लैम कभी इस बात से डरते ही नहीं है कि वो मुझे लैमी लैम बुला रहे हैं, और इसीलिए वो भी उनसे नहीं डरते हैं और बच्चे उनके गार्डन में आते हैं, तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है. देखिए मिस्टर लैम हैड गॉट अ टिन लेग एंड किड्स कॉल हिम लैमी लैम, व्हेनेवर ही वेंट डाउन द स्ट्रीट किड्स मेड फन ऑफ हिम, जब भी वो गलियों में जाते हैं तो बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं.
बट दे स्टिल केम टू हिज गार्डन फॉर एप्पल एंड पियर्स, लेकिन फिर भी उनके गार्डन में बच्चे आते हैं एप्पल और पियर्स के लिए. इट वॉज अ गेम फॉर बोथ, ये सब दोनों के लिए गेम होता है. ही वेलकम देम एंड एंजॉयड देयर कंपनी, वो उनका स्वागत करते हैं और उनको एंजॉय करते हैं. दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, दे मतलब चिल्ड्रेन, जो बच्चे होते हैं उससे डरते नहीं है, बिकॉज ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मिस्टर लैम उनसे नहीं डरते हैं. तो मिस्टर लैम ये बात डेडी को बताते हैं कि देखो यार मैं उनसे नहीं डरता, इसलिए वो भी मुझसे नहीं डरते हैं. दे कॉल मी लैमी लैम, दे मेड फन ऑफ मी, बट आई स्टिल वेलकम देम इन माई गार्डन. दे केम टू माई गार्डन फॉर एप्पल एंड पियर्स. दे यूज टू सिट इन माई गार्डन, दे यूज टू प्ले इन माई गार्डन, वो मेरे गार्डन में खेला करते हैं. दे प्लेड इन माई गार्डन, दे सिट इन माई गार्डन, वो मेरे गार्डन में बैठते हैं और मैं सबका स्वागत करता हूँ. मुझे किसी से कोई परवाह नहीं है और कोई फर्क नहीं है. इट इज अ गेम फॉर अस, ये हमारे लिए गेम है कि मैं उनको अपने गार्डन में वेलकम करता हूँ और वो जब भी मुझे देखते हैं तो लैमी लैम बुलाते हैं. एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर, प्लीज बता दीजिए कि हिंदी की क्लास है या नहीं है. देखिए अगर नोटिफिकेशन नहीं लगा होगा तो हिंदी की क्लास नहीं होगी. वजह यह है कि सर को भी जरूर कुछ ना कुछ काम पड़ गया होगा और आज से स्टार्ट हो चुका है. आज या कल में स्टार्ट हो जाएगा लगन, और लगन स्टार्ट होने का मतलब है कि जब आप घर पे होते हो और आप बड़े होते हो घर में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सोसाइटी को भी देखना है, समाज को भी देखना है, वहां भी पहुंचना है. कई बार डांट सुनना पड़ता है मुझे इस क्लास के लिए कि मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्यों ऐसे क्लास पढ़ाते हो, न तुम्हें कुछ मिल रहा है, बस यूट्यूब पे खड़े हो जा रहे हो और पढ़ा रहे हो. कई बार इस बात के लिए मैं डांट भी सुनता हूँ कि 10 बच्चों के लिए तुम अपना क्लास एक घंटे ये बोर्ड लगा लिए और बस पढ़ाते रहते हो. ठीक, जहाँ जाना जरूरी वहाँ नहीं जा रहे हो. तो कई बार ऐसा भी होता है, तो कुछ जरूरी काम रहा होगा जरूर, और ऐसा मुझे लग रहा है जरूर किसी फंक्शन में कहीं जाना पड़ गया होगा, तभी सर की क्लास मिस हुई होगी. ठीक, नहीं अगर मुझे शायद पहले से पता होता तो मैं जरूर आज 2 घंटे की क्लास कर दिया होता, क्योंकि मुझे पहले से पता नहीं था तो क्लास की पीडीएफ जो है मैंने 1 ही घंटे की लगाई है. हाँ, फीवर भी हो सकता है, उनकी तबीयत लास्ट वीक में ही एक दिन खराब थी, बात हुई थी मेरी तो लास्ट वीक में एक दिन खराब थी, तो उन्होंने दवा खाकर किसी तरह से क्लास किया था, तो हो सकता है कि उनको हैवी फीवर हो. यस, इट इज पॉसिबल. चलिए अब आप ये बताइए कि आज की क्लास में आपको कितना समझ में आया, आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, और फिर हम आगे के लिए बोलते हैं. ठीक है, हाँ तो आज ये क्लास खत्म. कल आपको जितने भी और बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सब करा दूंगा, पूरी तरह से खत्म करा दूंगा. और मैं फिर कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी तरह पढ़ाने से पढ़ रहे हो तो फिर तो मैं एक दिन में 2-2 चैप्टर भी खत्म कर दूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो. बस आप जितना पढ़ा रहा हो उतना पढ़ लो, फिर एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक के जितने चीजें हैं सब एक एक दिन में खत्म कराऊंगा. जब बात आ ही जाएगी खत्म कराने की तो 2-2 घंटे की क्लास होगी और केवल पढ़ाना होगा, बोलना होगा और आपको सुनना होगा. ठीक है, हाँ पीडीएफ थोड़ी देर बाद टेलीग्राम चैनल से, अगर कोई नया बच्चा है तो टेलीग्राम चैनल आपको पता ही, यहाँ पे लिखा हुआ है डिंग्स एकेडमी, यहाँ पे मिल जाएगी. बहुत अच्छी क्लास थी, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं कि इतने अच्छे से बैठे रहे क्लास में, देखते रहे. ये जो 8 बच्चे हैं मेरी इस क्लास में, जो 10 बच्चे मेरी इस क्लास में, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप डेली क्लास में आते हो. जहाँ पे, क्योंकि आज के टाइम पे लोग जो है भीड़ की तरफ भागते हैं, जिस जगह पे कि यहाँ 400 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं यहीं पढ़ूंगा यार, ये कोचिंग और ये बहुत इन सब इश्यूज के बाद, कि लाइट का इशू, कई बार साउंड का इशू, कई बार नेटवर्क का इशू, और आप सब झेलते हो और फिर भी क्लास करते हो, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू बेटा. और मैं ये जरूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको किसी भी तरीके से लेट डाउन नहीं करूँ. जब ये सेशन पूरी तरह से खत्म हो, जब ये पूरी सीरीज खत्म हो, तो आप ये कह पाओ कि यार मैंने इस सर से पढ़ा और मुझे 1% का भी रिग्रेट नहीं है, ऐसी वो हर चीज रही जो सिखाई जानी चाहिए थी और सर ने सिखाया. ठीक है, चलो तो कल ये क्लास पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर हम द एनिमी करेंगे. द एनिमी करने के बाद ग्रामर के सेशन, जिसका आप वेट कर रहे हो इतना. तो अभी मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया, अब नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ आपको टेंस का कुछ दे दूँ, पहले रिव्यू है ना, टेंस करा दूँ, फिर टेंस के बाद क्या करा दूंगा और भी चीजें, मतलब अभी दिमाग में चल रहा है कि मैं टेंस आपको एक क्लास अच्छी सी दे दूँ, कम से कम 1-1.5 घंटे की, जिसमें खाली टेंस के बारे में सारी बातें हुई हों, टेंस पहचानना, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें. ठीक है,
ये हर्षवर्धन बच्चा है, ये हर बार ये कहता है कि सर आप हमारे मिस्टर लैम हो और हम आपके डैडी, लेकिन बढ़िया कनेक्शन है, आप हमारे मिस्टर लैम हो और हम आपके डैडी, बढ़िया अच्छा है। चलो ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, शिवरात्रि, आशा करता हूँ कि आप सब अपना ख्याल रखोगे। कल शाम में फिर इसी मोड़ पर, इसी चौराहे पर 7 बजे मैं आपका इंतजार करूँगा, आप मेरा इंतजार करिएगा, हम दोनों फिर बैठेंगे और यहाँ बातें करेंगे, ऑन द फेस ऑफ इट ख़त्म कर देंगे सुजैन हिल का जो सेकेंड पार्ट है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभरात्रि।